राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन मंगलवार को विश्वविद्यालय के जमनालाल बजाज प्रशासनिक भवन में किया गया। व्याख्यान में चर्चा करते हुए डॉक्टर शेंडे ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया भी जाए तो उनके व्यक्तित्व की शक्ति टिकने से नहीं चूकती। लोगों ने उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। दुनिया ने उन्हें ज्ञान के अथाह सागर के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के आंदोलन ने दिखाया है कि समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनकी जीवन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए हमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। उस समय जाति व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कानून थे। अपने बचपन में उन्होंने गरीबी और छुआछूत का सामना किया। उनके पिता ने उनकी शिक्षा को महत्व दिया। 10वीं पास करने के बाद इनाम के तौर पर मिली किताब को पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। छात्रवृत्ति मिलने के बाद वे विदेश में अध्ययन करने गए और उन्होंने भारत और विदेशों में सामाजिक व्यवस्था के बीच अंतर देखा। त्यांच्या नावासमोर अनेक बिरुदावली लावलेली आहे। कोणी त्यांना प्रज्ञावंत म्हणतात, कोणी त्यांना समाजक्रांतीचे प्रणेते म्हणतात, कुणी त्यांना महामानव म्हणतात। अशा अनेक वेगवेगळ्या बिरुदावली त्यांच्या नावाच्या आधी आपण लावल्याशिवाय पुढे जात नाही। हे असं का करावं असं वाटतं आपल्याला? असं म्हणतात ना, जेव्हा जेव्हा हजारो वर्षापासून चालत आलेली गुलामगिरी या गुलामगिरी। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक बांसी, BCN न्यूज नागपूर।